नमस्कार, मेरा नाम आर्यन संतरा, मैं यहाँ वेस्ट बंगाल पूर्व मिदनापुर के रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं फतेहगढ़ में आर्मी में कार्यरत हूँ। मेरा 2021 जनवरी में शुगर डिटेक्ट हुआ था, फिर इधर अगस्त 8 तारीख को आया था। इधर आके मैं देखाया, इधर फर्स्ट में मेरा एलोपैथिक दवाई चला था, धीरे धीरे डॉक्टर साहब जो है जो आयुर्वेदिक दवाई दिए थे, और धीरे धीरे जो वो दवाई छूटा, फिर आयुर्वेदिक दवाई चलते रहा। 5 महीने टोटल में आयुर्वेदिक दवाई खाया, और अभी 1.5 महीना से मेरा दवाई बंद है। फिलहाल अभी मतलब अभी सब कुछ खराब करने के बाद मेरा 100 के पास आसपास मतलब शुगर नॉर्मल रहता है, और अभी कोई मेरा शरीर में कोई दिक्कत है नहीं, और मैं खूब मतलब अभी खुद को मतलब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और इधर डॉक्टर आज आया हूँ, ब्लॉक करने के लिए बुलाया गया मेरे को, और ब्लॉक करने के लिए आज दवाई पिलाया गया, और साहब ने बोला है जो नॉर्मल तरीका से खड़ा खाने से कभी और वापस नहीं आएगा। मेरा नाम पी मल्लिक है, मैं CISF में नौकरी करता हूँ ASI के हैसियत से। मेरा आज से कुछ महीने पहले डायबिटीज़ डायग्नोस किया गया था, जिसके चलते मैं बहुत परेशान था, और मैं बहुत सा डॉक्टर के पास गए, और वहाँ सब डॉक्टर ने सलाह दिया कि भाई आप दवाई खाओ, ये खाओ खाओ। तो मैं दवाई नहीं खाया, मैं सुना हुआ अंग्रेज़ी दवाई खाने से और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो मैं यूट्यूब में डॉक्टर AK राय साहब का एड मिला, उसमें मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दिया कि ये क्योर हो सकता है डायबिटीज़ एकदम। तो मैं डॉक्टर साहब का सलाह लेकर मैं दवाई शुरू किया, और उनके एडवाइस के मुताबिक मैंने खान पान उसी ढंग से किया हूँ। 7 दिन में मेरा शुगर बहुत कम हो गया, और 15 दिन में तो एकदम नॉर्मल में आ गया। तो अभी मैं चूँकि 3 महीना इसका ड्यूरेशन है दवाई चलने का, तो मैं 3 महीना दवाई चलाया। 3 महीना बाद अभी मैं फुल्ली क्योर हो गया, और मैं सब कुछ खाता और पहले जैसा खाता था, मिठाई, मटन, मीट, चिकन सब खाता हूँ। अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ, मेरा डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं सबको सलाह देता हूँ जिसका जिसका डायबिटीज़ है, आप डॉक्टर AK राय साहब से मिलिए, उनसे ट्रीटमेंट कराइए, और ठीक हो जाओगे। डायबिटीज़ एकदम ठीक होने वाला बीमारी है। तो आप लोग डॉक्टर साहब से मिलिए और उनसे ट्रीटमेंट कराइए।